हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार और आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है इटावा की। और दोस्तों, इटावा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और इस इटावा ज़िले में एक दंपत्ति रहते थे, एक सेठ जी रहते थे और एक सेठानी रहती थी। उन दोनों का एक लड़का था जो कि अब शादी के योग्य हो चला था। दोस्तों, सेठ जी और सेठानी के पास खूब अनाप शनाप पैसा था, उन्हें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। सेठ जी ऐसा चाहते थे कि कोई ऐसी बेटी आ जाए हमारे घर में जो थोड़ा गरीब परिवार की हो। तो जब कोई गरीब परिवार की बेटी हमारे यहाँ आएगी तो उसमें ये रहेगा कि वो हमारे घर को लेकर के चलेगी, और अगर हम किसी अमीर घर की लड़की से शादी करेंगे तो फिर वो जो है हमारे घर का काम नहीं करेगी, हमारे घर को लेकर के नहीं चलेगी और वो अपने अमीरी में डूबी रहेगी। तो और सेठानी ये चाहती थी कि उनकी एक भाई की लड़की थी, वो बड़ा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, उससे मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो सेठ जी ने एक दिन सेठानी से कहा कि भाई, अब अपना लड़का बड़ा हो गया है, अब हम लोगों को इसकी शादी कर देनी चाहिए और किसी बढ़िया अच्छी सी लड़की को ढूंढ करके उसका विवाह कर दें, ये अपना घर बसा ले और हम लोगों को भी आराम हो जाएगा, हम लोग भी अपना आगे तीर्थ यात्राओं पर ध्यान दें, इस मोह माया को छोड़ दें। तो सेठानी ने कहा कि भैया, एक काम करो, हमारे भाई की लड़की है और उसका नाम बरसा है, बड़ी सुंदर है और पढ़ी लिखी है, आपने देखा ही है, और आप उसी से कर दीजिए। तो सेठ जी बोले कि देखो, ऐसा है कि जहाँ मेरी ससुराल है, मैं अपने लड़के की ससुराल वहाँ पर नहीं होने दूँगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा करना सामाजिक रूप से और मुझे भी ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा, और दुनिया में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, हम लोगों को लड़कियों की क्या कमी, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, अपने भाई की बेटी से क्यों शादी करना चाहती हो। तो सेठानी ने कहा कि फिर भाई, जैसा तुमको समझ में आए वैसा करो, मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया। सेठ जी ने बहुत दिनों तक विचार किया, सोचा कि भाई, और सेठ जी का हमने आपको बताया, ये सेठ जी चाहते थे कि भाई कोई गरीब लड़की हमें चाहिए, अमीर लड़की से हमें नहीं चाहिए, हमको दहेज मिले अथवा ना मिले लेकिन हम लड़की लाएंगे अच्छी और गरीब परिवार से, जिसके पास देने के लिए कुछ होना, बस लड़की लड़की हो तो उसमें संस्कार और मर्यादा जरूर होगी। तो दोस्तों, उस शहर में, इटावा शहर में एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, उसकी एक बेटी थी। सेठ जी के दिमाग में वो बेटी चल रही थी कि देखो, वो लड़का वो है, वो व्यक्ति रहता है, उसकी बेटी है, अगर वो मेरे बेटे से हो जाए तो ये मेरा घर है, ये स्वर्ग बन सकता है। तो सेठ जी उस व्यक्ति के पास गए और बोले कि क्यों, तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है तो इसकी शादी वादी नहीं करनी है क्या तुमको? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबूजी, शादी तो करनी है लेकिन कोई लड़का नहीं मिल रहा है, और ये जो बेटी है मेरी, इसकी माँ बहुत समय पहले मर चुकी थी, और बाबूजी मैं भी कुछ काम पे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस जवान बेटी को छोड़ कर के काम पर जाता हूँ तो इसकी सुरक्षा को खतरा है, तो अब मेरे पास इस समय कुछ पैसे भी नहीं है, और जहाँ मैं शादी करने जाता हूँ तो वहाँ पर लोग पैसे मांगते हैं और वो मेरे पास है नहीं, तो अब मैं बड़ा चिंतित हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी आखिर करूँगा तो कैसे करूँगा। सेठ जी ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दो, जो भी खर्चा आएगा हम तुम्हें देंगे। तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा, अरे सेठ जी, आप हमारी गरीबी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा ही रहा है, अब आपने भी इसको ऐसा करना शुरू कर दिया। सेठ जी ने उसे समझाया कि देखो, हम तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हमने तुमसे जो भी बात कही है वो पूरी तरीके से सत्य है, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैंने आपकी बेटी के बारे में पता भी लगाया है, लोगों ने ये बताया है कि वो तुम्हारी बेटी सुशील और संस्कारी है, और इससे आप हमारे बेटे की शादी कर दो। तो और भी मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, और भी लोग आए, तो जब वो कहने लगा कि, तो सब लोगों ने उसे समझाया, मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने, कि अब तुम्हारे घर रिश्ता चल कर के आया है, तुम कितने परेशान थे अपनी बेटी के लिए और तुम क्यों नहीं कर देते हो, तो उसकी भी बात समझ में आ गई। उसने कहा कि पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन जब उसने पूरी तरीके से सेठ जी ने उसको आश्वस्त किया कि नहीं, कोई आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो उसने सोचा हो सकता दहेज देना पड़े, उन्होंने कहा कुछ नहीं देना तुमको, जो भी है मैं तुम्हारी व्यवस्था करूँगा, तुम्हें केवल और केवल बेटी देनी है। तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी बड़ा खुश हो गए कि भाई, तुम्हारे यहाँ रिश्ता चल करके आया है, बड़ी अच्छी बात है, तुम शादी कर दो अपनी बेटी की, तुम्हें शादी तो करनी है। तो ऐसा कह करके बात तय हुई, जन्म पत्रिका मिलाई गई, शादी का मुहूर्त छाटा गया और शादी की डेट फाइनल हो गई। दोस्तों, उस गरीब पिता ने अपनी बेटी की शादी उस सेठ के यहाँ कर दी।
अब जैसे ही उसकी बेटी शादी होकर के आई तो सेठ जी तो बड़ा खुश थे, उनको तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो सेठानी थी उनका मुंह बन गया। और सेठानी विदाई वाले दिन ही, जब गृह प्रवेश होता दुल्हन का, उसी दिन सेठानी अपने मायके भाग गई, वहाँ पर नहीं रहीं। थोड़े दिन बाद आई, उन्होंने अपने लड़के को समझाना चालू कर दिया और लड़के ने उसे प्रताड़ित करना चालू कर दिया। अब वो पूरे घर का काम करवाती और भी बहुत सारे काम, और ऐसे ऐसी बातें उसको बोलती कि तेरे पिता ने कुछ नहीं दिया, ये है वो है। तो ऐसा जब सुनती गई तो बड़ा दुखी हो गई कि काश मेरे पिताजी ने कुछ दिया होता, या मेरी शादी यहाँ ना करी होती, उन्होंने पैसे के लालच में आकर के मेरी ज़िंदगी नरक कर दी। वो सोचते होंगे कि मैं बड़ा खुश हूँ लेकिन मुझे तो यहाँ दुख ही दुख है, पैसे होते हुए भी मुझे उसका कोई सुख नहीं है, मुझे मैं तो नौकरों की तरह यहाँ पर काम कर रही हूँ। दोस्तों हालांकि वो ये सब झेलती रही, उसने सोचा कि चलो कभी अच्छा समय आएगा और जब अच्छा समय आएगा तो ये बातें भूल करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों अच्छा समय नहीं आया और दिन प्रतिदिन वो जो सास थी उसकी, वो उसे प्रताड़ित करती ही रही। और जब इससे उसका मन नहीं भरा तो अपने मायके गई और अपने भाई से कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दो। तो उसके भाई ने कहा कि आपके बेटे की तो शादी हो चुकी है, अब मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे कर दूं भाई। उसने कहा नहीं नहीं तुम चिंता ना करो, तुम अपने बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दो और उसको हम घर से भगा देंगे। उसने कहा कि नहीं शादी तो अब कैसे हो पाएगी भाई, दो दो शादी अलाउ नहीं। उसने कहा एक काम करो, अच्छा तुम कोर्ट में मैरिज कर लो और लड़की को अपने घर भेज दो, तो जब तुम्हारी लड़की मेरे घर जाएगी तो वो ऑटोमेटिक भाग जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, उन दोनों ने कोर्ट मैरिज में शादी कर ली और इसके बाद वो भी आकर के घर रहने लगी। अब जब उसके मामा की लड़की भी घर आकर के रहने लगी, यानी कि सास के भाई की लड़की भी घर आकर के रहने लगी, तो अब उन दोनों ने मिलकर उसे सताना चालू कर दिया। वो उसको नौकरानी की तरह बिहेव करती। और दोस्तों जब एक दिन उससे नहीं झेला ये सब, जब वो नहीं बर्दाश्त कर पाई तो अपने पिता के यहाँ वापस चली गई और अपने पिता से कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, अब मैं उस घर में जाना नहीं चाहती, आप मुझे यहीं पर रखिए या जो भी करिए, मैं अब नहीं जाऊँगी। उसके पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटी, और तुम यहीं पर बनी रहो आराम से, तुम्हें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद फिर कार्यक्रम चलता है उस दूसरी बहू का। वो दूसरी बहू जिस दिन से आई उसने घर में तहलका मचाना शुरू कर दिया, तांडव मचाना शुरू कर दिया। वो ससुर जी को गाली गलौज करती, वो अपनी बुआ को गाली गलौज करती, और पति को वो पति ना समझती, ना कुछ काम करती, ना खाना बनाती, ना कपड़े धोती, सब काम नौकर करते, वो केवल खाती और फ़ोन पर इधर उधर बातें करती। जब इस तरीके का बिहेवियर देखा, जब इस तरीके का व्यवहार देखा तो सेठानी बड़ा दुखी हो गई कि मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, और सेठ जी तो दुखी थे ही थे। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसने कहा कि माँ जी अब मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ और मैं थोड़े दिन में आ जाऊँगी। उसकी बुआ ने कहा कि भाई ठीक है जाओ, तुम अपने मायके जाओ, यहाँ तुम रह रही हो कोई फ़ायदा हमें तुमसे है नहीं, तुम मेरी सेवा करती नहीं हो, चलो कुछ दिन जा रही हो चली जाओ, तुम्हारे रहने से या जाने से हमें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं कि मैं दुखी हूँ। तो ऐसा कह करके वो अपने मायके चले गए। और थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि दोस्तों वो मायके से वापस ही नहीं लौटी। अब सेठानी और सेठ जी का बड़ा बुरा हाल, वो सारे काम खुद करने पड़ते उनको, बेटा भी उनसे कटा कटा रहता, बेटा भी कहता कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है। तो अब एक दिन सेठानी ने कहा कि बेटा एक काम करो कि जो पहली वाली तुम्हारी शादी हुई थी जाओ तुम उसको ले आओ, और वो बेचारी काम तो कम से कम करती थी, और उसको यहाँ रख लो आ करके, अब जो भी हुआ उसको भूल जाएंगे, उसको अच्छे से रखेंगे। तो उसने बेटे ने कहा कि ठीक है माँ जी मैं जा रहा हूँ लेने। दोस्तों जब वो लड़का उसके घर गया तो देखा कि ताला लगा हुआ था बाहर से, कोई था ही नहीं। उसने मोहल्ले वालों से पूछा कि भाई ज़रा ये बताओ कि वो जो लड़की थी जिससे मेरी शादी हुई थी वो कहाँ चली गई। उसने कहा कि भैया वो जो लड़की तुमसे शादी हुई थी उसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली है, उसने अब तुम जाओ और जिससे तुम्हारी दूसरी शादी हुई उसी के साथ रहो जा करके। दोस्तों जब उसने ऐसा सुना तो हक्का बक्का रह गया कि अरे ऐसा हो गया। उसने ये बात आकर के अपने माँ को बताई, अपने बाबूजी को बताई, सेठ जी को बताई, तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ और सेठानी को भी बड़ा दुख हुआ। लेकिन सेठानी ने कहा कि चलो अब होनी को कौन टाल सकता, अब हमसे जो पाप हुए तो हुए, अब उसकी सजा हम भोगेंगे। दोस्तों क्या हुआ कि जब वो कहा कि चलो अच्छा ये काम करो तो फिर अब तुम अपने मामा के यहाँ चले जाओ और जो दूसरी शादी उसी को ले आओ, जैसी है भली है बुरी है
उसी को रखो, फिर क्या करें, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो दोस्तों वो अपने मामा के यहाँ गया। जब वो अपने मामा के यहाँ गया तो उसने देखा कि मामा के यहाँ भी कोई नहीं था। जब मोहल्ले वालों से पूछा कि भाई वो मामा के यहाँ वो लड़की है वो सब लोग कहाँ चले गए, उन्होंने कहा कि देखो जिससे तुम्हारी शादी हुई थी उसका प्रेम प्रसंग किसी और से चल रहा था और वो उस प्रेमी के साथ भाग गई है और तुम्हारे मामा मामी शर्म के कारण घर में ताला लगा करके कहीं बाहर चले गए हैं। फिर वो बड़ा दुखी हुआ कि अरे ये हो क्या रहा मेरे साथ, मेरी किस्मत कैसी बनाई भगवान ने। इसके बाद वो घर आकर के बताता है सारी बात अपने माता पिता को और इतना दुखी हो जाता है कि रात में अपना भी जहर खा करके प्राणों का अंत कर देता है। अब बचते हैं केवल सेठ और सेठानी, और इधर से भी वो लड़की ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, इधर से वो लड़के ने भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, और उधर से उसकी जो लड़की थी वो भी किसी प्रेमी के साथ भाग गई। दोस्तों अब आप इस कहानी से ये समझिए कि कैसे दहेज के लालच ने, सेठानी दहेज चाहती थी, उन्हें लड़की अच्छी नहीं चाहिए थी, उन्हें बस ये चाहिए था मुझे पैसे मिल जाए, दहेज के लालच ने कैसे तीन परिवारों को बर्बाद कर दिया। दो परिवारों को अपनी जान देनी पड़ी और तीसरा परिवार अपना शर्म के कारण भाग गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, जो हमारे भाग्य में है वो भाग करके आएगा, और अगर हम किसी की कामना करेंगे किसी को चाहने का प्रयास करेंगे तो हमारे चाहने से वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए दहेज एक अभिशाप है, और आप इस कहानी को सुन करके अपने जीवन में उतारें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।